आप इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, इट मींस कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग में रुचि है, या तो आपने साथियों से, या अपने माता पिता से, या अपने रिश्तेदार से प्रोत्साहित होकर आप इस क्षेत्र में आए। क्या है इंजीनियरिंग, कोई बताएगा मुझे? एनीवन? भाई इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, क्या है इंजीनियरिंग? किसी कार को करने में कम समय कम पैसे में किया जाए उसे इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग वो विज्ञान है जो मानव की हमारी विविध जरूरतों को पूरा करने के लिए एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालता है। जैसे माइक है, माइक से हम बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है, ये इंजीनियरिंग ही है। और जो लोग इस चीज को करते हैं वो इंजीनियर्स। तो ये तो आप जानो कि इंजीनियरिंग होती क्या है। भाई आपको किसी न किसी चीज को इन्वेंट करना है, आप कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज आम जनता के लिए, अपने लिए, सबके लिए इन्वेंट कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल चीजें बना रहे हैं जो लोगों को फायदा और समाज को फायदा दे सके। आज आप सभी यहाँ पे अपने कोर्सेस, कोई मैकेनिकल में है, कोई इलेक्ट्रिकल में है, कोई सिविल में है, शुरू करने जा रहे हैं। आपको ये लग रहा होगा कि यार बड़े अच्छे दिन हैं, बढ़िया कॉलेज स्कूल छोड़ के हम आए और इंजीनियरिंग कॉलेज में आ गए हैं, बड़ा आराम है, बढ़िया कैंपस है, घूमना है, घामना है, सब आराम करना है। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में आपको ये 3 साल बहुत ही मेहनत करना है, और जितनी अधिक आप मेहनत कर लोगे उतना ही अधिक, उतना ही अच्छा, उतना ही प्यारा रिजल्ट होगा। अगर ये 3 साल आपने घूमने घामने इनमें बिता दिया तो आपको और आपको परिवार को निराशा ही मिलेगी कि भाई हमने, माँ बाप ये सोच रहे हैं कि बच्चे को हमने भेजा है इंजीनियरिंग कॉलेज में अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, तो उसके लिए मेहनत की बहुत ही जरूरत है, एक डिवोशन चाहिए आपको अपने कार्य के प्रति। जैसा कि हमारे